नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक छतरी है कोई बात नहीं, अगर आपके पास दो छतरी है और उन दोनों छतरियों को अपने टीवी से कैसे कनेक्ट करें। दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको 200 रुपये तक का पेटीएम कैश मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक MP4 रिसीवर बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ डिस्क स्विच है, स्प्लाइटर है, तो ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास चार छतरी है या अगर आपने चार सेटेलाइट को सेट कर रखा है, तो ये चार पोल वाली जो ये डिस्क स्विच है, आपको इसे ख़रीदना होगा मार्केट से। इसकी प्राइस लगभग 125 रुपए से लेके 150 रुपए, 175 रुपए, हद से हद दुकानदार 200 रुपए ले सकता है। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, बड़ी ही अच्छी चीज़ है, लोकल मार्केट में इस समय अवेलेबल है, आप इसे ख़रीद सकते हो। बाकी दोस्तों, ये जो चीज़ है ये स्प्लाइटर होता है। अब इसका क्या काम होता है दोस्तों, अगर मान लो आपके घर में दो रूम हैं और उसमें दो टीवियां लगी हुई हैं और आप चाहते हो एक ही डिस्क से, यानी कि एक छतरी लगी हुई है और उस पर हम एक ही LNB लगी हुई है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने दूसरे कमरे में भी प्रोग्राम देख पाऊं, तो उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, एक LNB का जो वायर होता है इसमें लगाना होता है, एक पहले रूम में, एक दूसरे रूम में, नीचे जो पोल है आउट का, इसको जब आप लगा देते हैं तो हमारे दोनों कमरों में प्रोग्राम चलने लगते हैं, जो चैनल मन करे वो हम देख पाते हैं, एक ही छतरी पे दो TV चल पाएंगी, ये इसे स्प्लाइटर कहते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप डिस्क स्विच का इस्तेमाल करते हो और उसको मल्टी सेटेलाइट अगर आप यूज करते हैं और इस चीज़ को लगाना चाहते हैं, तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगली बात जो दोस्तों जो है, ये देख सकते हैं, ये हमारा डिस्क स्विच है, 16 पोल का भी आता है, 8 पोल का भी आता है, ये देख सकते हैं, ये 8 सेटेलाइटों को, 8 एंटीना को लगाने के लिए ये होता है। अब दोस्तों, इसकी मैंने कुछ क्लिप मैंने दिखाई है, देख सकते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग की क्लिप मैंने दिखाई है। अब दोस्तों, इसमें LNB 1, LNB 2, LNB 3, LNB 4, LNB 5, LNB 6, LNB 7, LNB 8, अगर 16 पोल की लेते हैं तो ठीक इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो अब दोस्तों, कैसे हम अपने सेटअप बॉक्स में, अगर मान लो चार पोल का है, तो कैसे हम इसे लगाएं, तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये चीज़ आपका सिर्फ MPG2 बॉक्स में ही काम करेगा, चार पोल का, ठीक है। और बाकी ये जो है, ये जो मल्टी है, 16 है, 8 है, पिन की जो LNB पोर्ट के जो ये हैं डिस्क स्विच, ये सिर्फ आपका काम करेगा MPG4 सेटअप बॉक्स में, यानी कि MPG4 सेटअप बॉक्स है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 8 LNB, 32 LNB, 32 LNB, 16 LNB, ठीक है, आप लगा सकते हो, 16 LNB तक आप लगा सकते हो, उसमें मल्टी लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा LNB लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेटेलाइटों को लगा सकते हो, आराम से TV देख सकते हो, अलग अलग सेटेलाइटों को एक ही बॉक्स में, एक ही वायर कनेक्शन के जरिए, हाँ, ऊपर छत पे आपको कनेक्शन करना होता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने जान लिया। बाकी दोस्तों, इसका सेटअप बॉक्स की सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा मैं रेट बता दूँ इसका, ये आपको मार्केट में लगभग 50 रुपये का मिल जाता है, ये चीज़ कभी मार्केट में ख़रीदो 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये के आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये दोस्तों है 350 रुपये से 500 रुपये तक आपको मार्केट में मिल जाता है, आप इसे ख़रीद सकते हो। बाकी सारी चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपका मन करता है तो आप उसे ख़रीद सकते हो। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखनी है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, यार दोस्तों में आप शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।